हर हर महादेव, ओम काली। तो प्रेमी भगत जनों, कई बार व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी जाती है, किसी द्वारा कोई जादू टोना टोटका कर दिया जाता है और वह परेशान रहता है। तो ऐसे में वह कैसे पता लगाए कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है या फिर आप तंत्र क्रिया के शिकार तो नहीं हो गए हैं। कई बार आपको अपने शर्म का फल नहीं मिलता, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन कोई ना कोई नकारात्मक काम हो जाता है जिससे कि आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है या खराब हो जाता है। मान्यता है कि कई तांत्रिक क्रियाएं भी ऐसा विपरीत असर डाल देती हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं कि जिसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके ऊपर तंत्र क्रिया तो नहीं कर दी गई है और आप किसी तंत्र क्रिया के शिकार तो नहीं हो गए हैं। तो पहला जो उपाय है वह है, रात को सिराने एक लोटे में पानी भर कर रख लें और सुबह इस पानी को गमले में या फिर बगीचे में लगे किसी छोटे पौधे में सुबह डालें। 3 दिन से 1 सप्ताह के बीच में यदि वह पौधा सूख जाए तो सोच लेना कि आप पर तंत्र क्रिया कर दी गई है। दूसरा उपाय क्या है, रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई है वह नींबू में समाहित हो जाए और आपको संकेत दे दे। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हो या उसका रंग काला दिखे तो समझ लीजिएगा आप तंत्र क्रिया के शिकार हो चुके हैं। तीसरा जो उपाय है, यदि बार बार आपको घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, डॉक्टरों की जांच में सभी रिपोर्ट तो नॉर्मल आती हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो इस बात की आशंका अधिक है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया गया है। नंबर 4, आपके घर में यदि अचानक बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ या फिर भौंरा घूमता दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि आपका घर तांत्रिक क्रिया का शिकार हो चुका है। नंबर 5, आपको अचानक यदि भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता तो यह भी इसी बात का लक्षण है कि आप किसी तंत्र विद्या की चपेट में आ गए हो। नंबर 6, घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय अकारण विवाद होने लगता है या फिर बच्चा रोने लगता है तो यह भी इस बात का संकेत है। नंबर 7, घर के सदस्यों का एक के बाद एक बीमार पड़ जाना इसी बात का संकेत है। नंबर 8, घर के जानवरों में जैसे गायें, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाए तो आप समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर लग गई है। नंबर 9, घर में यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई है, ऐसा आपको फील हो कि आपके साथ कोई चल रहा है या फिर आगे पीछे आपके कोई जा रहा है जिससे कि हवा का स्पर्श आपको होता है तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई बुरी शक्ति आपके घर में घुस चुकी है। नंबर 10, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, ये भी एक कारण है कि जिससे प्रबल तंत्र होने की संभावना होती है। आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा जितना यह तंत्र मजबूत होगा और इसके अलावा यदि कोई गंदी शक्ति लगी है, कोई मसान की शक्ति लगी है, कोई बुरी शक्ति लगी है तो आपके चेहरे पर कालापन भी आने लगता है। आप प्रतिदिन अपने आप को कमज़ोर महसूस करते जाओगे और ऐसा लगेगा कि जैसे आपका खून सूख रहा है और आपका शरीर सूखने लगता है। नंबर 11, घर के अंदर या बाहर नींबू, सिंदूर, राई या फिर हड्डी आदि की सामग्री बार बार यदि मिलती है, ये नहीं कि आपको एक बार मिल गई और आप अनुमान लगा ले, ऐसा नहीं, आपको यदि बार बार मिले, 2 बार 4 बार 10 बार मिले तो आप ज़रूर समझ लीजिएगा कि आप बुरे तंत्र के शिकार हो चुके हैं। आपके घर से एक नेगेटिव किस्म की बदबू आने लगती है, एक कालापन आने लगता है, आपकी दीवारों में जो है सीलन आने लगती है, तो ऐसे भी कारण हैं कि जिससे आप जान सकते हो कि भूत प्रेत का साया आपके ऊपर लग चुका है। घर के यदि कोई महिला है, मुख्य महिला है, उसका रात के समय दम घुटने का एहसास होता है, जैसे कि कोई गला दबा रहा है या फिर उसकी छाती पर इतना भार हो जाता है कि जैसे कोई छाती पर बैठा है, उसके शरीर पर लाल या नीले रंग के निशान होने लगते हैं, दाने होने लगते हैं या फिर उसके सतन या जांघों पर खरोच जैसे निशान मिलने लगते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या कर दी गई है और आप
उसकी चपेट में आ चुके हो। आपके घर में निरंतर कलेश रहता है। पारिवारिक सदस्य एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं और घर में 24 घंटे आपके बुरा माहौल रहता है। आपका मन करता है कि घर छोड़कर भाग जाऊं। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ है तो समझ लीजिएगा आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति घुस गई है। आपका जो कमाई होती है वह भी कम होने लगती है। जितना आप कमाते हो वह डॉक्टरों के पास, वैद्य के पास या फिर ओझा तांत्रिकों के पास जाने लगता है किसी बीमारी के चक्कर में। तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर बुरी शक्ति किसी ने लगा दी गई है। तो ये कुछ उपाय थे जिनसे कि आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई है और आप किसी द्वारा किए हुए तंत्र के शिकार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।